आज मेरे को एक टॉपिक करना है जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो मुझे आज कैसे भी वो करना है, और आज ये वीडियो शाम को आएगी। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि अब हमारा क्लाइमेट बहुत चेंज हो रहा है, तो हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमें इस बढ़ती हुई गर्मी, बढ़ते हुए पोल्यूशन को नज़रअंदाज करना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा क्लाइमेट को डिस्टर्ब कर चुके हैं। हर रोज़ सैकड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं। तो कम से कम एक पेड़ तो हमें लगाना चाहिए अपने, नहीं हमें हर महीने एक पेड़ लगाना चाहिए या फिर हर हफ्ते। जितना ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा ही हमारा क्लाइमेट सुधरेगा, क्योंकि आप इस बार गर्मी का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं कितना हाई था। दिल्ली का टेम्परेचर 50 डिग्री पहुंच गया था। हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी हम बस ऑक्सीजन टैंक्स पे जिंदा रहेंगे। तो आप सब जितने ज़्यादा हो सके पेड़ लगाइए। एक गमला रखिए अपने घर पे, जिससे मतलब अपने बालकनी में पौधे तो रखिए जिससे आपके घर की शोभा भी बढ़े और पोल्यूशन भी कम हो। छत पे रख दीजिए, बालकनी में रख दीजिए। और एक बात, हम जितना ज़्यादा टेलीफोन वगैरह मोबाइल यूज़ करते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी से बर्ड्स को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचता है। तो आप बर्ड्स के लिए भी छत पे पानी रखिए, क्योंकि ये बहुत अभी 10 दिन पहले की बात है, मेरे बगल वाले के छत पे टंकियाँ रखी थी। एक टंकी में ढक्कन नहीं था और उसकी टंकी में एक कबूतर पानी पीने के लिए उतरा और उसी में अपनी जान दे दी। उसने पानी में डूब गया। ये बिल्कुल उस कहावत की तरह है कि अगर पीता तो मर जाता, ना पीता तो मरता। सेम वही हुआ है उस कबूतर के साथ। वो इतना प्यासा था कि उसे टंकी में उतरना ही पड़ा, उससे रहा नहीं गया और वो डूब के मर गया। तो हमें एटलीस्ट एक कटोरे में अपने छत के ऊपर एक कटोरे में पानी रखना चाहिए जिससे पंछियों को पानी मिल सके। Thank you.
आप सबको हर महीने एक पेड़ लगाना चाहिए और उसे सोशल मीडिया पर डालना चाहिए, जिससे और लोग प्रेरित हो सके आपको देख कर वो भी पेड़ लगाना है, क्योंकि पेड़ों की संख्या घटते जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कोई भी ज़िंदा बचेगा, इसलिए मैं बस ये इतना चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा हो सके पेड़ लगाएं। पेड़ ना भी लगा सकें तो कम से कम पॉल्यूशन करें। पॉल्यूशन पेड़ों के लिए हानिकारक है और हमारे लिए भी, तो आप पेड़ों का ना सोचकर खुद के लिए भी सोच सकते हैं कि अगर पेड़ ना होंगे तो आप भी नहीं होंगे। क्लाइमेट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है दोस्तों, अभी तो हम अपने घर में बैठ के बस फ़ोन वीडियो देखते रहते हैं, यहाँ पे बाढ़ आई, यहाँ पे भूकंप आए, लेकिन कभी उनका कारण जानने का सोचा तक नहीं हमने। तो हमें सोचना चाहिए इस बारे में एक बार, और लोगों को बताना चाहिए कि क्लाइमेट कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है। दोस्तों हमें बस अपने इच्छाओं पे थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। ऐसी इच्छाएं जो वातावरण को हार्म करती हैं, चोट पहुंचाती हैं, तभी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वरना सब ऐसे ही चलता रहेगा। बस आप एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया पे वीडियोस डालते हैं, हर कोई डालता है, वो बुरी बात नहीं है, बस सबसे अच्छी बात यह है कि जो अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो अच्छी वीडियो अच्छे कंटेंट डालते हैं, वो पेड़ पौधे के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में डालते हैं, लेकिन वो वाली वीडियो हर कोई स्किप कर देता है क्योंकि इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। जैसे अपनी कमियों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, वैसे ही इस क्लाइमेट चेंज के बारे में ये एक नेचर है इंसान का, कमियों को, अपनी कमियों को नज़रअंदाज करना, अपनी इसलिए वो इस पर्यावरण को नज़रअंदाज कर रहा है, इस पोल्यूशन को नज़रअंदाज कर रहा है, क्योंकि वो सब उसी ने गंद फैलाया है, ये नेचर है इंसान का। तो हमें इसे भूलना नहीं चाहिए, हमें अपने आप को भी बदलना होगा, अपने आप को चेंज करना होगा, तभी हम इस क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। तो दोस्तों आप प्रयास कीजिए, कम से कम एक पौधा तो ज़रूर लगाएं और अपने छत पे एक भगोने में पानी ज़रूर रखें। ये हर कोई कह रहा है लेकिन कोई इसे सुन नहीं रहा, क्योंकि इंटरेस्टिंग नहीं है, ना ही एंटरटेनमेंट है।
कि दोस्तों यहीं पे मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप इसके बारे में एक बार सोचिए।